दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश में केजरीवाल का संदेश शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पहुंच रहा है। पूरे देश में केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी दो दिन पहले भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने का एक अभियान उन्होंने शुरू किया, जिसके समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। और जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है, शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई, बहाना क्या लिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा क्षेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए, पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। उनको खुश होना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो बौखलाकर दूसरे दिन सीबीआई का छापा डलवा देते हैं।